सर उठो, सर उठो, 12 बज रहे हैं। सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो, कौन सी कयामत आ गई? भाई नाजी खाला को एयरपोर्ट लेने जाना है, 2 बजे पहुंचना और अभी 12 बज रहे हैं, सिर्फ 2 घंटे रह गए। चलो उठो जल्दी से नाश्ता बना लो। 2 घंटे तो मुझे तैयार होने में लगेंगे। बाजार से ले आओ नाश्ता। यार हफ्ते में एक दिन संडे को तुमने नाश्ता बनाना होता है और उसमें भी तुम्हारी यही कोशिश होती है कि नाश्ता बाहर से आ जाए। हद होती है काम चोरी की, जब पता होता ना शादी ना करता तुमसे। मैं नहाने जा रही हूँ, नाश्ता लाने से पहले मेरा ड्रेस प्रेस कर। बाय द वे ये नाज़नीन खाला क्यों आ रही हैं? मुझे क्या पता, अपने डैडी से पूछा, उनकी दूर की रिश्तेदार है। अब तक तो वो जहाज में भी बैठ चुकी होंगी। ऐसा करो लॉन में जाओ और मुंह ऊपर करके आसमान की तरफ पूछ लो उनसे, तुम्हारी आवाज से तो वैसे भी कायनात हिल जाती है। शुरू हो गई वही संडे की तुम्हारी बकवास कॉमेडी, जाके मेरा ड्रेस प्रेस कर दो। गुलाम बना रखा है इस जहरीली मक्खी ने मुझे। पापा इनके कान बंद हो गए हैं, फोन पर भी ये चीख चीख कर बातें करते हैं। पापा। हाँ क्या बात है बेटा, और ये तुम लोग इस वक्त कहाँ जा रहे हो? आपको याद नहीं, हम नाज़ली आंटी को लेने जा रहे हैं। हाँ हाँ ले आओ उन्हें, और उनका कमरा सेट कर दिया? जी कर दिया है। वैसे अंकल कज़न वो आपकी हैं, लेने हम लोग जा रहे हैं, आपको खुद एयरपोर्ट जाना चाहिए था। अरे यही मिल लूँगा भाई मैं, वो कौन सी प्रिंसेस है कि उसको रिसीव करने के लिए भागता फिरूं? एक तो तुम्हारे पापा भी ना एकदम बेजार इंसान, जब देखो ये पेड़ पौधों के साथ लगे रहते। पापा तो बिल्कुल माली लग रहा है। पापा आप प्लीज़ कपड़े चेंज कर लीजिए। क्या कहा? ड्रेस तब्दील कर लीजिए। अरे भाई वो कौन सी ऐसी प्रिंसेस है कि वेलकम के लिए मैं तैयारियाँ करूँ, मैं ऐसे ठीक हूँ बस। इस उम्र में तो घास फूस ही रह जाती है, उसको भी साफ ना करूं तो क्या रह जाएगा जिंदगी। लीजिए खाला आपकी मंजिल आ गई। भाई माशाल्लाह घर तो बहुत अच्छा बना लिया तुम लोगों ने। चलें उतरे खाला। चलो गाड़ी में सैंडी के सामान लेते हुए आ जाओ। शुक्रिया खाला। अरे क्या कान कमजोर हो गए नाज़िम के? जी खाला किसी हद तक। डोर बेल पर उंगली रखकर भूल जाया करो, पता भी है ना अंकल का। मुझे तो लगता है वाकई उसके कान कमजोर हो गए। कैसे हो नाज़िम? हाँ मैं ठीक हूँ, आओ अंदर आओ। आंटी आप तो बिल्कुल भी नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी हैं, एकदम जवान। अरे रहने दो लड़की, ज्यादा बनाओ मत। सच कह रही हैं आप ही, आप डैडी से पूछ लें। अरे इनसे क्या पूछूं, ये तो मुझे एबनॉर्मल, माफ करना वाकई मुझे एबनॉर्मल लग रहे हैं, जब से मैं आई हूँ ऐसे ही खामोश बैठे। बस आंटी
मम्मा के इंतकाल के बाद से पापा ऐसे ही हो गए हैं। देखो, जो अल्लाह की मर्जी होती है वही होता है नाजिम, जाने वालों के साथ मरा नहीं जाता। वो खाने का क्या करना है? खाना आज हम लोग बाहर ही खाएंगे। भाई वो तुम चारों चले जाना, मैं घर पे रहूंगा। देखा आंटी आपने, पापा इसी तरह करते हैं। क्या पापा ऐसे थे? अरे नहीं भाई, ये तो बहुत खुश मिजाज थे। लोग तो आगे पीछे फिरते थे बेहुदा मजाकों से बचने के लिए। रहने दे आंटी, मैं नहीं मानती ये बात। और आप क्या खड़े खड़े बातें सुन रहे हैं? जाके किचन का काम देखिए। देखा आंटी, देखा आपने कितनी बदतमीजी करती है ये मुझसे। अरे बेटा, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो भरी महफिल में डांट देती थी अपने मासूम शौहर को, अल्लाह जन्नत नसीब करे। क्या मजाल जो उन्होंने कभी हुकुम अदूली की हो मेरी। ग्रेट आंटी, आपके आने से तो रौनक लग गई। अब आप एक काम कीजिए, अब आप एक महीने के बाद जाएंगे। ना बाबा, मैं तो 10 दिन बाद चली जाऊंगी। प्लीज़ आंटी। वैसे भी आंटी, कौन सा बच्चे हैं जो आपको इतना टेंशन हो रही है? अच्छा चलो, देखती हूँ कि क्या करना है। आप मेरे कपड़े प्रेस कर दीजिए, हम लोग कढ़ाई खाने जाएंगे सोहरापुर। ओ, तो तुम यहाँ पर हो? हाँ, मैं तो यहीं होता हूँ। अब ये शजर ही मेरे हैं। हम लोग आपको ड्रॉप करने जा रहे हैं, और कहीं रास्ते में देर ना हो जाए तो आप पापा का नंबर सेव कर लीजिए। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे वो तबस्सुम के घर जा रहे हैं, रात को वापस आ जाऊंगी। और हाँ, पापा का नंबर आप ले लीजिए, कहीं हमें देर ना हो जाए तो आप पापा को भी कॉल कर लेना। तुम ऐसा करो कि इनका नंबर मेरे मोबाइल में सेव कर दो, मेरा मोबाइल अंदर कमरे में है। जी पापा। चलो। नाज़िम का मैसेज। डियर नाज़ली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ। हाय, ये क्या हो गया इसे? अरे दुनिया वाले क्या सोचेंगे कि 50 साल की बुढ़िया और 50 साल के बुढ़े का रोमांस मैसेज। बुराई है शादी में, दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे। नहीं नहीं, क्या सठिया गई है नाज़ली? ये तो दोबारा से रंगीन हो गई है, खिजा में बाहर का मंजर पेश कर रही है। नाज़िम, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या, मुझसे शादी करना चाहती हो?
हाँ तो इसमें हर्जी क्या है? एक दूसरे को सहारा मिल जाएगा। तुम बच्चों से बात कर लो ना। नाज़ली, पुरानी यादों को हवा मत दे, दुनिया थू-थू करेगी मुझ पे। हाँ नाज़ली, मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे। मैं भी थक गया हूँ इस तन्हाई से, जो होगा देखा जाएगा। आंटी, मुझे देखकर चेहरा क्यों छुपाया आपने? वो बातें कुछ ऐसी है। ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे शर्मा रही हैं? आ जाओ नाज़िम। पापा, आप तो बिल्कुल ही चेंज हो गए। सॉरी, आप लोग बात कीजिए, मैं बाद में आती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? वक्त ने हम दोनों को 25 साल पीछे धकेल दिया नाज़ली। मैं तुमसे शादी करूंगा और मेरा ख्याल है कि बच्चों को भी कोई इतराज़ नहीं होगा। मैं तुम्हें अपने लॉन का सबसे हसीन पौधा बनाऊंगा और मरते दम तक उसके तराश तराश करता रहूंगा। मुझे मालूम है तुम बहुत अच्छे माली हो नाज़िम, बहुत अच्छे। आप ही देख रही हैं, पापा कितने खुश रहने लगे हैं। पापा अपनी ज़िंदगी में वापस लौट आए हैं हैदर। तुम्हें पता है, तुम्हारी नई सास बहुत ज़बरदस्त मेकअप करती है। मैं तो पहले ही समझ गया था कि तुम्हारे माली पापा को किसी पार्टनर की ज़रूरत। अब तो मान लो कि तुम्हारे इस मज़लूम शौहर में भी क्वालिटीज़ मौजूद हैं। एक तो तुमसे ज़रा सी भी मोहब्बत से बात कर ली जाए, तुम बिल्कुल ही बेकाबू हो जाते हो। ये मत भूलो कि ये मामला हमारी वजह से मुमकिन हुआ है। मम्मा इंतकाल से पहले बता चुकी थी कि पापा और नाज़ली आंटी एक दूसरे से कॉलेज के ज़माने में बहुत प्यार करते थे।
डियर नाज़ली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कल जो मेरे दो काम है वो लाजमी निपटा देना। अच्छा भाई, हम लोग आज जरा लेट आएंगे। पापा, जब से आपकी शादी हुई है आप तो हमें भूल ही गए। बस रहने दो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कभी हमें भी साथ ले जाया करें। भाई, हमारा हनीमून मुकम्मल होने दो, तुम भी साथ चलना। अरे वाह, अब तो आप सरगोशी में की बात भी सुन लेते हैं। लगता है कान बिल्कुल ठीक हो गए हैं आपके। बकवास बंद करो और चाय लेकर आओ मेरे लिए।